नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में डरे सहमे बैठे हैं। इस जानलेवा वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। ये वायरस अब तक देश में कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इस समय अगर किसी चीज की चिंता सता रही है तो वो है देश और देशवासियों की सेहत। कोरोना की वजह से जब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, साल 2020 की शुरुआत में ही इस तरह के प्रकोप के बाद अब मन में सिर्फ यही आता है कि काश ये साल एक बार फिर शुरू हो जाता। इस बीच सदी के महानायक बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस से एक सवाल पूछा है। वो चाहते हैं कि साल 2020 एक बार फिर से शुरू कर दिया जाए। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया। बिग बी ने पूछा है, क्या हम साल 2020 को डिलीट कर दोबारा से नया रीइंस्टॉल नहीं कर सकते? इसमें वायरस है। अमिताभ की इस पोस्ट पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जरूर होगा, लेकिन इसे डिलीट करने के लिए आपको घर पर रहना होगा। दूसरे यूजर ने लिखा, इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हम एंटीवायरस खोज रहे हैं। वैसे अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस की खबरों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उनसे फैंस ने जब कोरोना से लड़ने के लिए बने रिलीफ फंड में दान देने को लेकर सवाल पूछने शुरू किए तो अमिताभ ने एक पोस्ट के जरिए जवाब दिया था। अमिताभ ने पोस्ट किया कि उन्हें उसी श्रेणी में रहने दे जो काम तो करते हैं पर बखान नहीं करते। उन्होंने लिखा, एक ने दिया और कह दिया कि दिया, दूसरे ने दिया और कहा नहीं कि दिया, दूसरी श्रेणी में ही रहने दो मुझे ऐ प्रियजन, जिसे मिला वो क्या जाने किसने दिया, जानू उसका बस करुण क्रंदन, इन हालातों में और क्या कहा जाए, जो जाने मुझे जाने, मैं तो सदा स्वभाव से ही रहा हूँ कम सुखन।